तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, टोयोटा इनोवा आप सभी को मालूम है कितनी फेमस कार है अपने लॉन्ग रूट के बारे में, यानी कंफर्ट के बारे में, और साथ ही साथ रिलायबिलिटी के मामले में। तो हम बात करने वाले हैं, क्या इसका डीजल इंजन बंद होने जा रहा है, क्या टोयोटा इसे बंद करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। जैसे नई इनोवा आ चुकी है इंडोनेशिया में, उसका लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे उसके एक्सटीरियर इंटीरियर की डिटेल आ गई है, हाइब्रिड कौन सी पावर ट्रेन मिलेगी, ये सब डिटेल आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो कि ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि डीजल इंजन का क्या होगा पुरानी इनोवा क्रिस्टा का। तो पुरानी इनोवा क्रिस्टा जहाँ तक है कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं इनोवा की फैन फॉलोइंग डीजल इंजन में, मतलब टोयोटा की तीन कारें हैं जो टैक्सी के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है रिलायबिलिटी के मामले में और कंफर्ट के मामले में। पहली है इनकी, एक तो टैक्सी भी नहीं तो नॉर्मल कार में भी फेमस है, और वो भी डीजल के अंदर, क्योंकि है एक तो ETO जो कि अभी बंद हो चुकी है, लेकिन ETO आपको देखने को मिलेगी टैक्सी के अंदर खूब सारी, क्योंकि टैक्सी के अंदर इसका जो डीजल इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है, कई लाख किलोमीटर तक इसको कुछ नहीं होता है। और ऐसा ही इनोवा के अंदर है, वो फॉर्चूनर का भी सबसे ज़्यादा डीजल इंजन बिकता है, चाहे वो टू व्हील ड्राइव हो या फोर व्हील ड्राइव हो, लेकिन डीजल इंजन खरीदना प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि पावर मिलती है, टॉर्क मिलती है, और बड़ी कार के लिए लोग जानते हैं कि डीजल इंजन लेना बेस्ट है। तो इसलिए इसका डीजल इंजन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा का, और इनकी सेल्स भी चलती हैं डीजल इंजन के मामले में, क्योंकि इनोवा जो गाड़ी है वो चलती है टैक्सी के अंदर। तो भाई टैक्सी से बुरा मत समझना, टैक्सी के अंदर चलती है, मतलब ये लॉन्ग रूट पे चलती है, कोई फैमिली ले जाना पसंद करती है किसी कार में अपनी पूरी फैमिली को, यानी चार पाँच जने या छः सात जा रहे हो, तो वो इनोवा प्रेफर करते हैं कि आप एक इनोवा कर लो, स्कॉर्पियो को छोड़ के एक इनोवा कर लो, क्योंकि कंफर्टेबल, पावर और सब बढ़िया है, माइलेज भी। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि टोयोटा कार के इंजन कितने रिलायबल है, जो इतने किलोमीटर तक चले जाते हैं, इसलिए एक नॉर्मल आदमी भी ऐसी कार खरीदना पसंद करता है जिसका मेंटेनेंस कम हो और ज़्यादा लंबी चला सके। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शायद तक शॉर्ट्स पे वीडियो डाला होगा, ये है रिलायबिलिटी टोयोटा की। हमारे जस्ट आस पड़ोस में ही एक रेंट का घर है, जहाँ पे रेंट पे रहते हैं काफ़ी सारे लोग, वहाँ पे रहते हैं टैक्सी ड्राइवर, उनके पास मिलेगी आपको इनोवा इनोवा इनोवा, चार तो इनोवा और दो या तीन ETO से, और एक ओल्ड इनोवा जो क्रिस्टा है उससे भी पुरानी वाली इनोवा, तो इतनी रिलायबल है। और साथ ही साथ इनकी दूसरा कारण है बुकिंग लेने का, इनका ये हो सकता है कि बुकिंग के लिए ये मना कर रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी बुकिंग हो चुकी है तो इसलिए हम बुकिंग नहीं ले रहे हैं। और इसका दूसरा कारण है कि अब BS6 सेकंड जेन आने वाला है, यानी सेकंड अपग्रेड होने वाला है BS6 इंजन के अंदर अप्रैल 2023 के अंदर, इस वजह से भी ये हमारी बुकिंग नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर दोनों बातों को मिक्स कर दे तो भी ये कहा जा सकता है कि ये बुकिंग नहीं लेना चाहते हैं, इसी वजह से कि BS6 आने वाला है सेकंड जेन वाला, जिसमें प्राइसिंग फिर से बढ़ेगी डीजल इंजन की, तो ये डीजल इंजन को तैयार करें BS6 सेकंड के लिए, तो इसलिए यहाँ तक बुकिंग ना ले रहे हो कि रेडी स्टॉक ना रहे, डायरेक्ट BS6 में बेचें दूसरी इनोवा को, और जिनको हाइब्रिड पावर ट्रेन चाहिए वो मिल जाए, हाइब्रिड पावर ट्रेन मिल सकते हैं, क्योंकि 12-13 का माइलेज होगा इसका इनोवा का, नई वाली का, पेट्रोल वाली का, हाइब्रिड मिलने से 13-14 तक जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जाते पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और भी अगर आपके कोई सवाल है इनोवा क्रिस्टा हाईक्रॉस या फिर किसी के बारे में तो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, कमेंट में लिख के जरूर जाएगा आपको वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सीट बेल्ट पहन कर गाड़ी चलाएं, ओके बाय।